अस्सलाम वालेकुम जी, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की जी रेसिपी है नो ओवन एंड नो चीज़ पिज़्ज़ा। ये इतने कोई मज़े का बनता है ना, जब हम इसको खाते हैं ना, इसको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि इसके अंदर चीज़ नहीं डली हुई। और ये इतने मज़े का बनता है, इतने मज़े का बनता है, ये तो जब आप लोग बनाएंगे आप लोगों को तभी पता चलेगा। चलें जी, अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। चलें जी, अब रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पिज़्ज़ा के लिए चिकन प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम्स हम लोगों ने लेनी है चिकन, ठीक है जी। उसके बाद जी हम आ जाते हैं स्पाइसेस की तरफ। 1.5 टीस्पून हमें चाहिए चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स पाउडर, 1 टेबलस्पून हमें चाहिए टिक्का मसाला, और नमक मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट लिया, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब जी हम लोगों ने सारे मसाले डाल देना है चिकन के अंदर, और जी मुर्गी को मसाला लगा के रखना है, इसके ज़ख्मों पे नमक मिर्ची लगानी है हम लोगों ने, ठीक है जी। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद ना हम लोगों ने इसको रखना है मैरिनेशन के लिए। आप लोगों के पास जितना टाइम है आप लोग रख लें, 15 मिनट्स रख लें, 20 मिनट्स रख लें, ठीक है जी। इसको हम लोगों ने मैरिनेट करना है। तब तक हम लोग एक सॉस प्रिपेयर करेंगे जो चीज़ का काम करेगा, ठीक है जी। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप मिल्क, 1 टेबलस्पून ऑल पर्पज़ फ्लावर, और एक जो मोटा वाला बड़ा क्लोव होता है ना गार्लिक, वो लेना है। 1.5 टीस्पून बेजल लीव्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। ये जी हम लोगों ने फ्राई पैन में डालना है। 1 टेबलस्पून बटर, ठीक है जी। बटर में हम लोगों ने उसको मेल्ट करना है। बटर मेल्ट करने में उसके अंदर हम लोगों ने गार्लिक डालना है। गार्लिक डालने के बाद हम लोगों ने ऑल पर्पज़ फ्लावर डालना है, और मैदे को भी हम लोगों ने उसके अंदर भूनना है, ठीक है जी। क्योंकि चीज़ तो हम लोगों ने डालनी नहीं है, तो ये जो सॉस है वो चीज़ का काम करेगी, ठीक है जी। अब जी जब ये अच्छी तरह से 5 मिनट्स को भूनना है, भूनने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर दूध डालना है, और जी दूध डालने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं, ठीक है जी। अब जी हम लोगों ने इसको कितना पकाना है मैं बताती हूँ जी, कितना पकाना है इसको हम लोगों ने, इतना पकाना है कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना वो थिक हो जाए कुछ इस तरह से, ठीक है जी। जैसी इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो जाएगी ना इतनी थिक, हम लोगों ने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना वो फिर और थिक हो जाएगी। ये जी हमने चूल्हा बंद कर दिया। अब जी हम चलते हैं चिकन की तरफ। हम लोगों ने लेना है 2-3 टेबलस्पून ऑयल, उसके अंदर हम लोगों ने मैरिनेटेड चिकन डालनी है, और चिकन डालने के बाद हम लोगों ने इसको पकाना है 10 मिनट तक। 10 मिनट में चिकन फुल कुक हो जाता है, बिल्कुल टेंडर हो जाता है। 10 मिनट हमने इसको पकाना है, और जी चूल्हा बंद कर देना है, ठीक है जी। ये जी चूल्हा बंद हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो पिज़्ज़ा डो होती है ना वो तो सबको ही बनानी आती होगी, उसके अंदर मैदा डालते हैं, ईस्ट डालते हैं, और जो है ल्यूक वार्म वाटर से उसको भून लेते हैं, ठीक है जी। ये तो सबको ही आती होगी ना बनाना, इसलिए मैंने क्लिप में रिकॉर्ड किया। तो ये मैंने बना के रख ली थी। इसको फिर हम लोगों ने क्या करना है, हाथों पर ऑयल लगा के इसको थोड़ा सा पंच करना है, ताकि इसके अंदर से ना एयर निकल जाए। अब हम लोगों ने नीचे थोड़ा सा मैदा डालना है, और उसके अंदर ये ऊपर आटा डालना है, और इसको थोड़ा सा नीड कर लेना है, ठीक है जी। ये जी हमने नीड कर लिया। इसकी थोड़ी सी जब हम पिटाई विटाई कर देंगे ना, तो ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ये जी हम लोगों ने इसकी बॉल बना के ना, बॉल बनाकर हम लोगों ने इसको फ्राई पैन पर जो है ना लगा देना है, मतलब इसको रख देना है, ठीक है। ये जी हमने इसको फ्राई पैन में रख दिया। अब हम लोगों ने इसको फोक से ऊपर, इसके ऊपर निशान डालना है। इसका मकसद बस मकसद होता है कुछ, शायद पक वक जाता होगा अंदर से, पता वता कुछ नहीं है मुझे। मैं ऐसी टीवी पे कुकिंग क्लास देख रही थी, उसमें ट्राई कर रहे थे, मैंने कहा चलो जी हम बिगड़ लेते हैं। अब जी हम लोगों ने इसके अंदर डालनी है पिज़्ज़ा सॉस। आप लोगों को जितनी पसंद हो डालें, वैसे मेरी प्रेफरेंस है कि ज़्यादा डाला करें। उसके बाद जी हम लोगों ने जो है चीज़ का अल्टरनेट, उसके अंदर जो वाइट सॉस बनाया था ना हम लोगों ने, वो सारी इसके अंदर डाल देनी है, क्योंकि बड़े मज़े की लग रही थी मुझे, चीज़ से ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा लगा था। आप लोग क्लास में ट्राई करिएगा। हम लोगों ने सारी सॉस इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है जी। ये जी सॉस आ गई। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर सारी ये चिकन डाल दी। ये जी चिकन आ गई। उसके बाद हम लोगों ने, अच्छा मैंने ना इसके अंदर टोमेटोज़ ऐड कर रहे थे, क्योंकि मैंने बिल्कुल लेट नाइट बनाया था ना, तो मेरे पास वेजिटेबल्स थी नहीं। मैंने ये रात के 1 बजे बनाया था, तो मेरे पास थी नहीं। आप लोगों के पास अगर हो ना, तो आप इसके अंदर जो है वो डाल दिएगा, या बेल पेपर डाल दिएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर अनियन डाली, और ऊपर जो है वो डाला चिली फ्लेक्स। उसके बाद बेजिल लीव्स हम लोगों ने स्प्रिंकल कर दिए, ठीक है जी। अब जी उसके बाद हम लोगों ने रखने हैं ऑलिव्स। ये जी आ गए, बड़े प्यारे प्यारे से ऑलिव्स आ गए।
ठीक है जी, बस ये डन है। अब हम लोगों ने इसको बेक करना है 30 मिनट्स के लिए। हम लोगों ने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको बेक करना है। ये जी 35 मिनट्स गुजर गए। ये है जी हमारे पिज्ज़ा की, नहीं फाइनल लुक नहीं है, मैं भी आप लोगों को काट के दिखाऊंगी इसको, फिर होगी इसके फाइनल लुक। ये जी हमने इसको, चलें जी अब हम इसका कतले आम शुरू करते हैं। ये जी हमने इसके ऊपर एक्स चला दिया। ये देखें अब आई है जी शहजादे की फाइनल लुक। ये है जी हमारे नो ओवन नो चीज़ की फाइनल लुक। इतना कोई मज़े का बनता है ना, इसकी जो सॉस होती है ना वो बिल्कुल चीज़ की कमी को पूरा कर देती है। इसके अंदर आप लोगों को जब आप खाएंगे ना, आप लोगों को बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि इसके अंदर चीज़ नहीं डली हुई, बल्कि उससे अच्छा इसका टेस्ट आप लोगों को नज़र आएगा। ठीक है जी, ये है जी पिज्ज़ा की फाइनल लुक। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने रेसिपी देख करना फ़ौरन अपने किचन में जाना है और इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स डले ना आप लोगों ने वो सारे निकाल कर रेसिपी ट्राई करनी है। जिसको पिज्ज़ा नहीं भी पसंद होगा ना उसको ये वाला पसंद आ जाएगा। ठीक है जी, जब आप लोग बनाएंगे अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करिएगा। आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।